Today we will do exercise 5.2. It is on page number 69. हम question number 4th तक कर चुके हैं. So today we will start with question number 5th, जो word problem है. सबसे पहली word problem है. A national library has 15,852 reference books arranged in 6 racks equally. हमें 15,852 books को, इतनी books को 6 racks में equally लगाना है. जब भी आपको word मिले equally distribute या equally divide, तो ऐसे केसेस में हम हमेशा डिवाइड करते हैं. हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे मैं 15,852 को 6 से डिवाइड करती हूँ. दिस इज माई डिविडेंड एंड दिस इज माई डिवाइजर. अब हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करेंगे. क्या 6 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता. 15 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 12. 6 टू द 12 माइनस 5 माइनस 2 3 1 माइनस 1 0 नीचे उतारेंगे 8. क्या 6 की टेबल में 38 आता है? नहीं आता. उससे छोटा कौन सा आता है? 6 6 36. 2 0. अब नीचे उतारेंगे 5 को. 6 की टेबल में 25 भी नहीं आता. उससे छोटा कौन सा आता है? 6 4 24 माइनस 1 0. अब नीचे उतारेंगे 2. अब 6 की टेबल में 12 आता है. बिल्कुल आता है. 6 2 12 माइनस 0 0 माइनस 0. तो हमारा क्वेश्चन कितना आया? क्वेश्चन 2640. दिस इज माई क्वेश्चन. रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर. तो हमें इतनी बुक्स को 6 रैक्स में अरेंज करना था. तो मैं अब क्या करूँगी, हर एक रैक में कितनी बुक्स रखूँगी? इतनी बुक्स रखूँगी, तभी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sold 2,995 watermelons during a 5-day. 5 days में एक farmer ने 2,995 watermelons sale किए. 5 days में इतने watermelons sale किए. तो आपसे 1 day का पूछा है. मैंने आपको multiplication में एक चीज़ सिखाई थी और वो ये थी कि जब आपको एक का दे रखा हो और ज़्यादा का पूछा हो, तो आप हमेशा क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो. डिवाइड में इसका उल्टा. अगर आपको ज़्यादा का दे रखा हो और एक का पूछा हो, तब आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे. तो आप यहाँ पे 2995 को किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे, तब आपका 1 day की सेल निकल कर 2995 divided by 5 5 5 is 25 minus 9 minus 5 4 0. नीचे उतारो. 5 9 is 45 minus 4 0. 5 9 is 45 0. 599. तो एक दिन में कितने वाटरमेलन सेल हुए थे? 599 वाटरमेलन सेल हुए थे. इस तरीके से आप डिवाइड करोगे. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3.
ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन में 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी आपके 4 पार्ट्स हैं। ये देखो 4 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट्स। अब क्योंकि ये मैथ्स है तो सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी, मैं आपको दोनों कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 653 डिवाइडेड बाय 9, 653 डिवाइडेड बाय 9 की टेबल में 65 तो आता नहीं है, तो 65 से छोटा कौन सा आता है? 9 7 63, 2 0 नीचे उतारेंगे 3। अगेन 9 की टेबल में 23 तो आता नहीं है, तो 23 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 9 2 18, 3 में 2 से कैरी ली तो 3 बन गया 13, 13 - 8 5 और 1 - 1 0। तो मेरा क्वेश्चन क्या आया? 72 और मेरा रिमाइंडर कितना आया? 5, कितना आ गया? 5। एक और